हर गोरखपुर सहरिया में बनला सरंगिया, हैराम बनला सरंगिया, अरे साड़िया बनला बनरसिया। बुनाई लाइन में तो हम थे ही, पर इसको हमने छोड़ ही दिया था एक तरह से। जब 2004 में मंदी का दौर शुरू हुआ तो उस समय हम लोगों को काम ही नहीं मिलता था। बेंगलोर चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई अहमदाबाद शिफ्ट हो गया। गोल्डन पीरियड था आपका, ये 1218वीं शताब्दी मुगल पीरियड था। तो उस पीरियड में क्या होता था कि राजा राजाओं ने भी इस उद्योग को बहुत संरक्षित किया, जो है जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक रूप से चलता चला आ रहा है जो है। और इसलिए भी बनारस का इम्पॉर्टेंट बहुत महत्व बढ़ जाता है कि यहाँ पर जो पहले कपड़े बनाए जाते थे वो पूरा नेचुरल धागे बनता था, नेचुरल सिल्क बनता था या नेचुरल काटन बनता था। और जो काम होते थे, जरी यूज़ करते थे हम लोग, सोने और चांदी का जरी यूज़ करते थे। बाज़ार को ख़राब करने में 10-15 साल लगा लोगों ने किया। पावरलूम से काम करा के हैंडलूम के नाम पर बेच रहे हैं कि जैसे रेशम की जगह डल दे दिया, पॉलिस्टर दे दिया। मलबरी सिल्क है और पॉट बाना पे बिना हुआ है। आजकल हम लोग उसको कतान बोलते हैं, ट्विस्टेड मशीन से करते हैं। और पहले ये सब जो है हाथ के द्वारा हुआ है। हैवी साड़ियाँ जो भारी पहनते हैं शादी विवाह में या इस तरह से वेडिंग पर्पज से, आज से करीब 70-80 साल पहले का भी ये साड़ी है लगभग, इसमें पॉट बाना का यूज हुआ है। और जो जरी लगी हुई है, पूरा रियल जरी लगी हुई है। कस्टमर जो आते थे खरीदते थे, भाई उसको क्वालिटी नहीं मिलेगी तो वो तो दोबारा आना नहीं चाहेगा। और पैसा तो थोड़ा दिन कमा लिया हमने, 2-4-5 साल कमा लिया, लेकिन उसके बाद जो इफेक्ट पड़ा, इम्पैक्ट जो हुआ उसका, वो बहुत ख़राब हुआ। धीरे 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 ख़त्म हो गया। और जिसके पास पैसा था उन्होंने पावरलूम लगा लिया। पर मेरे मिजाज में ये आया कि हम लोग प्रभावित हैं, हमारी रोजी खतरे में है, और कोई पूंजीपति कोई पैसा वाला हमारी लड़ाई क्यों लड़ेगा, उसको तो हमें लड़ना पड़ेगा। सजदे शुक्र शाहिद अदा कर ले तू, तेरी पहचान तेरे हुनर हो गए। कितने बुन कर यहाँ दर बदर हो गए। The challenge of working in Benares was the fact that Benares is a huge brand. It is aligned to what is India, and its history, its heritage, everything is very, very well known. Even when Benarasi brocade as a craft got huge business in our country, it really didn't percolate down to the actual smaller and medium level handloom weavers who are in the villages actually producing these saris. They are still wage laborers. They are bonded to the traders. So the traders give them raw materials, the traders give them design, and they get those wages, and that too they don't get on a timely manner. Those were the people we started working with. But it was striking absolutely that how much they don't know about the outer world and the market, even when everybody else knows about Banaras brocade outside their villages. Hello.
Well, first we did a survey on handloom weavers, and the data that we received reflected that about 30% of handloom weavers have reduced. कि बहुत सारे ऐसे weavers की families हैं, वो वहाँ पे जो उनके बच्चे हैं, they are not very inclined कि वो इस occupation को आगे रखें. दूसरा ये है कि synthetic fiber पे काम करने से जो wages हैं, वो कम मिलते हैं. इस financial के start में कुछ हमने schemes बना के भेजी थी. एक तो हैंडलूम के लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप पर डेवलपमेंट का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है. केवल प्रोडक्शन करना और किसी के लिए काम करना वो एक अलग चीज़ है. अपना बिजनेस एक एंटरप्रेन्योर होके खुद बिजनेस इस्टेब्लिश करना, वो चीज़ मुझे लगता है आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है. पहले तो हम आईका का करते थे, जुड़ तो गए हैं. वो बोल रहे हैं कि मैं आपको ताना भी दूंगा, बाना भी दूंगा, डिज़ाइन भी मैं दूंगा, कि इसके हम आपसे पैसे नहीं लेंगे शुरू में ही. ये करीब 3-4 साल की बात है, 3 साल की. हमने सोचने लगे कि ये फ्री में दे रहे हैं, क्या चक्कर है, सिर्फ आपको बिनना है. बिन के ये साड़ी आप हमें भी दे देंगे और बिक जाता है तो मैं इस धागा का, ताना का और तार का, उसके पूरे पैसे भी मैं तुम्हें दे दूँगा. ठीक है, ये लोग मदद कर रहे हैं. जो लोग मजदूरी कर रहे हैं केवल, ये लोग उनकी मदद कर रहे हैं. जो मुझे मजदूरी मिला था वो तो हम अपने खा गए. जो पैसा मुझे मिला था धागा का, ताना का और तार का, तो वो पैसा मैंने बचा कर रखा था. उसी पैसे से हमने तानी लगाया, बाना लिया, तार लिया. उसके बाद हम लोग दुपट्टा स्टार्ट किए. एक दो उस वक्त बिके भी, तो हमारा हौसला ये बढ़ गया कि मेरा अपना खुद का बनाया हुआ चीज़ मेरा बिक गया. मुझे उसके लिए किसी गृहस्था के पास नहीं जाना पड़ा. पहले हमारे फादर भी जो है कि दूसरे गृहस्था का लिया करके काम अपने हाथ से करते थे मजदूरी पर, और हम भी वही काम कर रहे थे. बनारस हब से जो है संपर्क हुआ, ट्रेनिंग वर्निंग होने लगा और बात विचार होने लगा, तो उसमें थोड़ा हमको अंदर हिम्मत हमारे अंदर बना. मेहनत मजदूरी करके हमने शुरू किया और एक जकाट से आज 5 जकाट खुद अपना है. मार्केट के अंदर भी बेच रहे हैं, वीवर हब में भी दे रहे हैं, एजुकेशन में भी जा रहा है, सप्लाई हो रहा है. पहले से तो अच्छे हैं. पहले हम किसी गृहस्था का काम कर रहे थे तो हमसे और किसी से मुलाकात नहीं हो रहा था, इसके बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं मिल रही थी. इसलिए कि हम खुद मालिक हैं, किसी के सहारे नहीं हैं. उसका व्यवस्था सब हमको है. हमको चिंता हो गया कि हम इसका व्यवस्था करेंगे, इसका अथवा करेंगे. अब उसका हमको लाभ मिल रहा है. दिल्ली से और जगह से लोग आ रहे हैं, हमारा ट्रेनिंग हो रहा है, हम अपना बात रख रहे हैं, उनका बात सुन रहे हैं. इस तरह से हमारा काम बहुत आगे हो गया है. गद्दीदार क्या सोच रहा है? गद्दीदार केवल ये सोच रहा है कि वीवर आए और सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट हमको बेच के चला जाए. वीवर ये सोचता है कि कस्टमर आए और महंगे से महंगे दाम दे करके हमको. उपभोक्ता सोचता है कि हम नई नई चीज़ें खरीदें, यानी जो साड़ियां हमने पहनी है मार्केट में वो कोई दूसरा ना पहने, ऐसा भी सोच होता है लोगों का. तो इन सब चीज़ों पे फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी था और ये हो रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है. डिज़ाइन तो एक पेपर पे हमारी बन जाती है, मगर वो डिज़ाइन साड़ी पे कैसे आए, उसके लिए ये जकाट और काट पंच ही हमारी मदद करता है. तो इसमें कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं है, कोई पर्यावरण को नुकसान भी नहीं है, इसलिए हम इस काम को ज़्यादा पसंद करते हैं. वे रेशम भी कुदरत के दिए हुए, और तांबा और सोना चांदी जो जरी में लगाते हैं वो भी कुदरत के दिए हुए, और हम काम भी कुदरती तरीके से हाथ से करते हैं.
तो मेरे यहाँ पड़ोस में जो कि अभी उनको 2014 में राष्ट्रपति अवार्ड मिला कमालुद्दीन साहब को, तो एक दिन मेरे घर आए बोलने कि निजाम तुम अच्छे कारीगर हो, अच्छा हुनर है, तो तुम जो बनारस आर्टियन सोसाइटी है उससे एक बार तुम जाके उनसे मिलो। कि उनका कहना तो हमें अच्छा लगा, मगर अभी सोचने लगे कि वहाँ जाएँ अपना नुकसान होगा, एक दिन जाएंगे किराया भाड़ा लगाएंगे नुकसान होंगे। इस ज़माने में ज़्यादातर तो यही होता है कि आदमी भाग दौड़ करता है, एक बुनकर या एक आम गरीब आदमी तो उसको कुछ मिलता नहीं, उसकी भाग दौड़ बेकार हो जाती है। तो जब गए तो एक बार ट्रेनिंग हुई, दो बार ट्रेनिंग में गए तो धीरे धीरे वहाँ की बातें हमको, सबसे पहली बात थी कि हम अपने माल को सही बनाएं, मतलब उसमें मिक्स ना करें जैसे कि पहले लोगों ने मिक्स किया, अपने नाम को ख़राब ना करें। तो हब में आके डिज़ाइनर भी आए और बिजनेस के कैसे किया जाता है उसके स्पॉट भी आए, जो भी मतलब वो ट्रेनिंग हमको देना चाहते थे हम लोगों ने उसमें ट्रेनिंग लिया। छोटा या बड़ा करते हैं ना तो कभी कभी उसमें वो सुंदरता चली जाती है। लंबा बना है, भी दिखने में अच्छा बना लग रहा है, उसको टेढ़ा बनाया है। ये सिर्फ ये एक कैरी की बात नहीं है, ये पूरे साड़ी की बात है कि यही अगर लंबाई यहाँ पर होती तो ये नहीं उतना अच्छा लगता, क्योंकि ये यहाँ पर चुभता फिर। अब ये इसके आकार और इसके आकार में कितना फर्क है। तालीम के अंदर आपके बेटे से मैं अभी मिला था जो आपकी तरह आपसे ही सीखे हुए हैं, वो सारे डिज़ाइन हम देख रहे थे तो आपने बताया कि ये पूरे आपके उम्र भर की मेहनत है। हाँ, मतलब जैसे हमने सीखा अपने कुछ मिजाज से बनाते बनाते जो पास होता चला गया वो बनता गया, उसको लोग लेते गए। साल छः महीने में भी डिज़ाइन बदलता रहा, मांग आता तो मोटा बनाना पड़ता था, कभी कभी बारीक से बारीक हो इसमें थोड़ा मीना डाल दें। 35 साल बना है। लाइक मी हु कम्स फ्रॉम अ सिटी एंड वन हु स्टडीड डिज़ाइन एंड विजिट्स एंड वर्क इन दिस सेक्टर, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स एट द सेम टाइम इट ऑल्सो क्रिएट्स सॉर्ट ऑफ मूवमेंट एंड इट शेक्स both the side. Well, I was given a brief by AIACA about this workshop where weavers and all of us are supposed to develop a range of design for AIACA. So then this idea came to my mind, maybe we can organize a small visit for all the weavers. की नहीं है, बदली गई है या पुरानी है, उसको संभाल के रखा हुआ है, उसमें भी वही वाला डिजाइन है और इसमें भी बना हुआ है गुलदस्ता। They were also really surprised to see how historically all these artifacts have a great quality of craftsmanship as well as a lot of information about the history and culture. पत्थर यहाँ पर ये बहुत सारे आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स और सबने बहुत सालों से बनाए हुए हैं। आपको मुझे बताना होगा कलर आए कहाँ से, आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से। बहुत सारे लोग ऐसे महीन काम करते थे और कहानियाँ बताते थे पहले। आई वॉज रियली सरप्राइज टू नो दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव एवर बीन टू दिस म्यूजियम और डिपार्टमेंट, एंड सम ऑफ देम हैज इवन सेड दैट दे रियली वुड वांट टू कम बैक अगेन। हर समय में उसका वो डिज़ाइन बदल जाता उसके है, अंदर बदल कभी फूल पत्ती होती है, कभी कमल होता है, तो कभी इंसान या देवी देवता आ जाते हैं। हाँ, शरीफा जैसा लग रहा है। ये मछली किसने बनाई है, बहुत खूबसूरत है, ये रस्ते में है पर पहुंच रहा है। जो डिज़ाइन हम बना रहे थे जो हम लोगों को दिखाया गया था, इस डिज़ाइन से एक साड़ी बनानी है, एक डिज़ाइन एक जगह है, मगर साड़ी तो पूरी 6 मीटर 5.5 मीटर की होती है। तो अब इसमें से कोई पत्ती लेंगे, कोई फूल लेंगे, कोई डाल लेंगे। एक प्राचीन नेपाली मंदिर में देखा कि वहाँ एक उस जमाने का बहुत बारीक काम था, आड़ी तिरछी लकीरें बनी थी,
तो उसमें से हमें ये बहुत अच्छा लगा कि जब इतनी अच्छी ये लकड़ी के कारीगरी में जो जंजीर बनी है तो हम क्यों ना इस जंजीर को अपने साड़ी पे डाल दें। तो मगर साड़ी में मैंने कभी देखा नहीं था, जो कि मैं करीब 35 साल से साड़ियों को देख रहा हूँ, तो ना हमने अपनी डिजाइन के अंदर यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जंजीर हमने बना के डाल रखी है। दे हैव सो मच ऑफ पोटेंशियल, बट आई थिंक व्हाट दे रियली नीड इज टू क्रिएट सम काइंड ऑफ लिंकेजेस, अ नेटवर्क व्हिच कैन ऑलवेज प्रोवाइड देम सम काइंड ऑफ एन आइडिया, सम काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन, सम काइंड ऑफ अ सपोर्ट, चैनल्स थ्रू व्हिच दे विल कीप ऑन अब्सॉर्बिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड चर्निंग लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग ideas around the knowledge which they have. So that is where we started. We started with a small design interventions. Those were all done in a very participatory manner along with them. Then designers worked with us. They were also trained to weave them. So the design rights were completely theirs. The interesting part of those designs were that they were based on the traditional techniques that were difficult and that were complex, but that were getting lost over time because the handloom brocade was being increasingly replaced by power loom, and the weavers made easy designs, quick designs to sell in the market. They even kept one loom free, telling us that we will keep a loom free because we realize how important it is to get trained in design and make our own products. Aaj jo humne tarah tarah ki painting dekhi, 200, 250 साल पुरानी चीज़ें देखी, तो उसमें ये देखने को आया कि किस तरह से लोग किस कलर पे किस कलर का उपयोग पहले के लोगों ने किया है, उससे अब हमें साड़ी में कॉम्बिनेशन करने में बहुत ही सहायता मिलेगी और बहुत जल्दी उस कॉम्बिनेशन में मैं साड़ी बनाऊंगा। हल्का बिरोजी है तो इसमें देखिए पिस्ता लग रहा है, हाँ तो सुंदर लग रहा है, ग्रे हाँ डाल दिया गया है, गाजरी डाल दिया गया है। इसी तरह से इसको हम लोग सैंपल करते हैं थोड़ा और देखते हैं कि कौन सा कलर इस पर कैसा लगता है। जैसे ये बूटी गिरे गिरे दिख रही है तो गिरे इस तरह जा रही है, पावर लूम में जो बनता है वो सीधी जाएगी, एक कलर सीधा सीधा दिखेगा, और ये खास है हैंडलूम के लिए। हमने वहाँ पर भी यही कहा था कि आखिर ये म्यूज़ियम में साड़ी रखी हुई है तो ये क्यों रखी हुई है, इसका तो कोई ना कोई तो रीज़न है जी, साड़ियाँ तो बहुत बनती है, ये एक साड़ी उसमें क्यों रखी है, तो उसका रीज़न है कि उसके अंदर कला है, तो क्यों ना हम में से कोई कलाकार ऐसा हो कि उसकी चीज़ वहाँ रखी जाए। द जेंटलमैन आई जस्ट मेट, द पर्सन हु ओन्स दिस हाउस, ही गेव मी अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इनसाइट इनटू द होल आइडिया ऑफ व्हाट इज Nakshaband, what is graph making, how design reached to all the weavers. He is the actual real artist who can actually create concepts and idea through his drawings. Somebody who makes all this graph, a graph maker, people really hardly talk about him. पूरा स्टार्ट तो क्या था, ये ग्राफ बना हुआ है इस डिजाइन का, मिल रहा है बिल्कुल आपको डिजाइन, ये रानी वाला मीना ये है, ग्रीन में है, एक दो तीन, ये भी एक दो तीन। ये तो हमारा पुश्तैनी काम था जब मैं बहुत छोटा था, तो मुझे तब से ही शौक हुआ कि मुझे भी बुनाई करना है, मुझे भी इस काम को बड़े पैमाने पे करना है। फिर मेरे घर की जो हालात जो थे बहुत ही नॉर्मल थे, तो इस वजह से हमको कम उम्र में ही इस लाइन में अपने अब्बू जी के साथ आना पड़ गया। शादी होने के बाद अपना काम फिर से शुरू किए, ऐसे एक हैंडलूम डालें, धीरे धीरे फिर उसको आगे बढ़ाएँ। तब हमारे मन में ये था कि हम अपना एक शेड बनाएंगे, अपनी एक फैक्ट्री बनाएंगे, जिससे हम कम से कम 20 से 25 लोगों को जोड़ के एक साथ एक जगह पे काम करेंगे। फिर हम मिले विवाह से,
विवास ने एक मीटिंग कराया बैंक का, उनको प्रपोजल रखा कि हमें 12 हैंडलूम का फैक्ट्री बनाना है, अपने बुनकर जो हैं उनको काम देना, उनको जोड़ के हमको काम करना है। फॉर्मेलिटी थी वो पूरी करने लगे हम लोग, जिसमें विवास ने भी काफ़ी सहयोग किया हमारा। फिर उसके बाद हमारा लोन सेंक्शन हो गया, तो अब ये हमारी फैक्ट्री चालू हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। अभी तो हमारे यहाँ पे 20 लोग हैं, 10 में मतलब 20, एक हेल्पर हो गया, एक वीवर हो गया काम करने वाला, तो अभी इसमें 12 हैंडलूम और आ सकता है। फैक्ट्री के अलावा भी अब हमारे पास टोटल 80 हैंडलूम हैं। सो वी हैव बीन एबल टू गेट फाइनेंशियल लिंकेजेस फॉर अ लॉट ऑफ वीवर्स हु आर स्टार्टिंग देयर ओन रिसोर्स सेंटर्स, who are expanding their business, who are buying new looms. A bank who is not very comfortable to give loans to a single weaver is coming to the hub because they see the scale and they know that this kind of a requirement can be met. Because it is a collective and it is a registered body, it attracts banks. Varanasi Weavers Hub ki jab first day udghatan jisko bolte hain launch hone wala tha, to hamare babuji se shuru ek सम्मानित नागरिक थे तो इनके थ्रू कराया गया था। एक जैसे हम लोग नई साड़ी ये बनाए हैं, इसके अलग अलग पार्ट कड़े हुए हैं, कई बार हम लोग वीवर के साथ लग के खड़े होकर इसको सेट कराए हैं ग्राफ की तरह, तब ये तैयार हुआ। अब मार्केट में गया तो तुरंत कहें कि पहले 50 पीस इसी तरह सेम बनाओ, कोई कलर वलर चेंज नहीं करना। वाराणसी वीवर हब में ये क्या है कि हर किसी को एक एक बार चांस दिया जाता है, जैसे एक एग्जीबिशन में हम गए तो दूसरे एग्जीबिशन में दूसरे को चांस दिया जाता है, तो इस बार हमें चांस मिला था लगभग 2.5 लाख के समथिंग की हमारे अपने प्रोडक्ट की सेल हुई थी। एक पेड़ है में 3 पार्ट्स हैं, एक उसकी जड़ है, एक तना है और फिर उसकी शाखाएं हैं। बुनकरों से क्वेश्चन किया गया ट्रेनर द्वारा कि आप कहाँ हैं, किसी ने कहा कि नीचे हैं, किसी ने कहा कि ऊपर हैं, हमने कहा कि नहीं हम तो बीच में हैं, संस्था जो है ग्रुप है जो नीचे है वो हमें थामे हुए हैं, जो शाखाएं हैं वो हमारे ग्राहक हैं, जब हमारी हरियाली होगी तो ग्राहक आएंगे और उसमें से अपना वो फल ले जाएंगे, हमें उस फल की कीमत दे जाएंगे। सभी को नमस्ते। वाराणसी वीवर्स एंड आर्टिजन सोसाइटी, जिसको आप वाराणसी वीवर्स हब या आईका के नाम से जानते हैं, आप लोगों ने आवेदन किया था उनका पहचान पत्र के लिए, गुलजार भाई, सद्दाम हुसैन भाई, खुर्शीद आलम, जो जीवन ज्योति बीमा योजना है, जो LIC की पुरानी स्कीम थी, उसको दोनों को एक साथ कर दिया गया है। फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारा 1.5 लाख रुपए तक का रिस्क कवर था वो 2 लाख रुपए का हो गया है। ये ऐसी जो भी योजनाएं आती हैं एक दूसरे को बताइए, साथ में मिलकर आवेदन करिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सके। जागरूक नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे तो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो बुनते बुनते भूख लगी और एक पैकेट बिस्कुट मंगाए, तो 10 वीवर्स हैं तो वो 10 एक एक करके खाएंगे, इतनी एकता है। ये इस काम में एकता में कोई कमी नहीं है। सो द वाराणसी वीवर्स एंड आर्टिजन सोसाइटी हैज़ ओवर टाइम डेवलप्ड एज अ मेंबरशिप बेस्ड बॉडी वेयर द मोर सीनियर हैंडलूम वीवर्स आर ऑन द गवर्निंग बॉडी अलॉन्ग विथ अदर इंडस्ट्री पीपल एंड डिज़ाइनर्स एंड एक्सपर्ट्स। AIACA is also on the board because AIACA is still building and incubating that organization. And the weavers also form the general body. So the organization is owned by the weavers. Member होने की वजह एक और है कि मतलब जैसे अब किसी भी मार्केट को लेकर के हरदम तो कोई ना कोई मीटिंग होता रहता है, 2-3 महीना पे, तो 1000 रुपया तो एक बार लग गया तो आजीवन हो गया। अब उसमें हम लोगों को हमेशा कोई ना कोई नया चीज़ मिलता रहता है, सबसे मेन बात तो ये है। जैसे अब हम नए हैं तो हमको जानकारी नहीं है कि मार्केट में कौन सा कलर कौन सा डिज़ाइन पे मतलब अच्छा लगेगा, तो उसके लिए अगर दूसरे से पूछते हैं जो मार्केट में है तो वो सही से बताते नहीं। ये जो कार्ड हम लोगों को मिला था कलर वाला, उससे थोड़ा सी हम लोगों को ये सुविधा हो गई कि मतलब अब कौन से सीजन में कौन सा कलर मतलब लगाना है, उसी हिसाब से हम लोग सेट बना लेते हैं कि हाँ इस कलर पर ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा जा रहा है मार्केट में। मेरे हाथ में जो है, जो आप देख रहे हैं, ये व्हील चक्र, ये चीज़ मिला है हमें, ये कलर है, ये चीज़ बहुत अच्छा है। समझ लीजिए कि ये बनारस का हमें जो बोलते हैं
चक्रवीर मिल गया है। तो उसमें दिखाया गया है कि आप सबसे पहले धागा मटेरियल खरीदते हैं, उसके बाद लूम सेटअप करते हैं और फिर कलर का च्वाइस करते हैं। मार्च की डिलीवरी देनी है तो आपको अक्टूबर नवंबर जनवरी से ही स्टार्ट कर देना है। हम इसको राउंड घुमाते जाते हैं और मंथली जो है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक सब कलर दिखाई देते हैं। जाड़े के कलर ये सारे हैं, गर्म रंग इसमें हमारा रेड कलर आ जाएगा। और पहले हम लोगों को ये आइडिया नहीं था, बायर कहता है कि हमको ग्रे पिस्टल ग्रे चाहिए, अब हमको आइडिया नहीं है कि कौन सा होता है, किसी से पूछेंगे। कई ऐसे कलर थे जिसके नाम हम लोगों को नहीं पता, इसकी मदद से हम लोगों को कलर के नाम मालूम हो गए। चक्र मिला है कि हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, उस तरह हमें यह हाथ है, इसके लिए मुझे किसी से पूछने नहीं है, मैं इसे जो काम ही करना है मैं खुद ही कर लूँगा, इसके ये महत्वपूर्ण है। Shift is very interesting because it is not only that the weavers are trying to get the business for themselves, they are looking at Varanasi Weavers Hub as their own organization and as a collective and are sending markets to the Varanasi Weavers Hub also, because they know that if the market gets a collective like this, then the amount of business and the credibility will be much higher. आज हमारे सोसाइटी के अंदर वाराणसी वीवर हब के अंदर ये हो गया है कि जो भी कस्टमर चाहे कि ये साड़ी किस बीवर का बना हुआ है, वो डायरेक्ट बीवर से भेंट कर सकता है, बात कर सकता है। बहुत खुशी होती है कि कस्टमर भी तो कम से कम बीवर को खोजेंगे। बुनकर से बुनकर की कंपटीशन नहीं है, बुनकर की कंपटीशन मशीन से है। कड़वा काम मशीन नहीं कर सकती, कुछ चीज़ें धागे और ऐसे मटेरियल हैं जो मशीन उसको नहीं कर सकती, उसको मशीन छील देती है। हम लोग को बड़ी सावधानी से जैसे फूल को छुआ जाता है उस तरीके से उस जरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो मशीन उस पर फेल है। तो हम इन्हीं मतलब टेक्निक पे काम करना चाहते हैं जो मशीन लिमिट ही नहीं है ना कि आप मशीनकरण कितना कर पाओगे, हैंडलूम को बढ़ावा देना आज भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, ये हमारी पहचान है, इससे इतिहास जुड़ा हुआ है। आईका की कोशिश यही है कि दुनिया को बताया जाए कि यहाँ पे अच्छे काम भी हो रहे हैं और अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं। 3.5 years we have seen there are about 20 wage laborers who have started doing their own business at different scales. So they say that earlier we couldn't even think that we could get out of this exploitative structure. उड़ न पाए परिंदे तो देखो जरा कैसे घायल परिंदों के पर हो गए, तेरी पहचान तेरे हुनर।